नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल कुकिंग विद शेफ आशु में। तो चलिए आज बनाते हैं पौष्टिक, स्वादिष्ट और बहुत ही आसान ब्रोकली सलाद। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है ना जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, फाइबर्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो अपने खाने में ब्रोकली को ज़रूर शामिल करें। यहाँ पर मैंने ली है एक हरी सी ब्रोकली। आप जब भी ब्रोकली मार्केट से लेते हैं ना, बस इस बात का ध्यान रखें उसका कलर एकदम हरा हो और जो ब्रोकली हो ना वो एकदम ठोस होनी चाहिए। अब ब्रोकली को डंठल के सहित छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक बर्तन में गुनगुना पानी लेंगे और ब्रोकली को उसमें अच्छी तरह से धो लेंगे। एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे और जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो उसमें डाल देंगे हम ब्रोकली। पानी में पड़ते ही जो ब्रोकली का रंग है ना वो एकदम से खिल जाता है। ये देखिए कितना सुंदर कलर यहाँ पे ब्रोकली का हो गया है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रोकली को हमें बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ब्लांच करना है और अब इसे छान लेंगे। छानने के तुरंत बाद इसे एकदम से ठंडे पानी से धो लेंगे या फिर पानी में थोड़ा सा आइस मिला देंगे और इसे चिल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ब्रोकली को आइस से चिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो ब्रोकली का कलर है ना वो एकदम से चेंज हो जाएगा। अब ब्रोकली को फिर से छान लेंगे और इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 7 से 8 फलियाँ लहसुन की। लहसुन को क्रश कर लेंगे और फिर इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर लहसुन को क्रश करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो लहसुन में ऑयल होता है ना वो एकदम से बाहर निकल जाएगा और इसका ही सलाद में एक अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है। नींबू को 3 स्लाइस में काट लिया है। एक बाउल में लेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, स्वाद के अनुसार नमक, क्रश किया हुआ गार्लिक, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और इसमें निचोड़ लेंगे एक नींबू। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सलाद की ड्रेसिंग में ना खट्टापन भी हो गया है, तीखापन भी हो गया है और अब मिलाएंगे इसमें हल्का सा मीठा। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 2 चम्मच शहद। बस सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बनकर तैयार हो गई हमारी ड्रेसिंग। तो चलिए अब मिलाते हैं इसमें बॉयल की हुई ब्रोकली और इसे ड्रेसिंग के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक सलाद है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और अब करेंगे इसके ऊपर हम गार्निश। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे रोस्टेड तिल, रोस्टेड वाइट तिल और इसको डाल देंगे अब ब्रोकली सलाद के ऊपर और ये बनकर तैयार हो गया हमारा सुंदर पौष्टिक स्वादिष्ट ब्रोकली सलाद। तो ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।